हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई। आज की मेरी न्यू रेसिपी है हेल्दी फ्रूट चाट रेसिपी, जिसको कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी बनती है। ये बड़ों को तो पसंद आती ही है, साथ में बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स भी हमें आसानी से मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल पपीता लिया है, यानी कि एक पपीते का 1/4 पार्ट लिया है, जिसको कि मैंने छीलकर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 संतरे लिए हैं, जिनको कि छीलकर उनकी फाकियां इस तरह से निकाल ली हैं और इनके रेशे भी मैंने हटा दिए हैं। 1 बड़ा अनार लिया है, जिसको कि मैंने छीलकर इसके दाने इस तरह से निकाल लिए हैं। 2 सेब लिए हैं, जिसको कि धोकर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 बाउल अंगूर लेंगे, जिसको कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 केले लिए हैं, जिनको कि छीलकर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और फ्रूट चाट को टेस्टी बनाने के लिए मैंने कुछ और इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिनमें मैंने 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच सफेद नमक लेंगे, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला लेंगे, 1 चम्मच नींबू का रस लेंगे, या नींबू का रस आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फ्रूट चाट को बनाने के लिए हम सभी फ्रूट्स को एक बाउल में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ये पपीता डाल देंगे बाउल में, संतरा डाल देंगे बाउल में, अनार डाल देंगे, अंगूर डाल देंगे, सेब डाल देंगे और केला भी इसी तरह से बाउल में डाल देंगे। अब ये सब हम आपस में अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम काली मिर्च पाउडर, काला नमक, सफेद नमक, नींबू का रस और चाट मसाला डाल देंगे। अब ये सब हम आपस में अच्छे से मिला देंगे। देखिए, हमने सभी फ्रूट्स को आपस में अच्छे से मिला दिया है और हमारी फ्रूट चाट बनके तैयार हो गई है। मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं, आप चाहें तो कोई और भी फ्रूट्स ले सकते हैं और उनकी क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अंगूर आप जब लीजिएगा तो उसको देख लीजिएगा, वो खट्टे तो नहीं है, अगर खट्टे हैं तो नींबू का रस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, हमारी फ्रूट चाट बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। फ्रूट चाट रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसको नाश्ते में खाइए या किसी भी समय खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये फ्रूट चाट बहुत ही फायदेमंद है और फ्रूट चाट का एक फायदा तो सबसे बड़ा यही है कि बच्चे जो हैं वो सभी तरह के फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से फ्रूट चाट में बच्चों को सभी तरह के फ्रूट्स खिला सकते हैं और बच्चे इस तरह से फ्रूट्स को बड़े स्वाद से खाते भी हैं। बच्चों के लिए फ्रूट्स बहुत ही फायदेमंद है। मैं इसी तरह से बच्चों को फ्रूट चाट बना के देती हूँ और बच्चे इस फ्रूट चाट को बहुत ही स्वाद से खाते हैं, तो आप भी इसको अपने घर पर जरूर बनाइएगा। आप लोगों ने देखा, आज हमने फ्रूट चाट रेसिपी कितने आसान तरीके से बनाई। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आती है। आप भी इसको अपने घर पर जरूर बनाइएगा। अगर हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।